फ्रेंड्स स्वागत है आपका आकाश टू में। आज के हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है आज। तो कई बच्चों को जानना यह है कि सर एनएसपी की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं। पूरा प्रूफ के साथ बात करूंगा मैं इस वीडियो को। प्रूफ के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस चैनल के प्रूफ आपको पहले मिलेगा, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एनएसपी ने क्या कहा, विद प्रूफ क्या है, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना। जिन भाइयों का अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है या किस कारणवश फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी कार्ड है, आप डेट आगे चाहते हैं, एक्सटेंड चाहते हैं, तो उसके लिए क्या डेट बढ़ेगा या नहीं, तो देख लीजिए भाई। प्री मैट्रिक माइनॉरिटीज की डेट है 15/11/2022 और पोस्ट मैट्रिक की 30/11/2022 है। जो बच्चे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उनका ये समस्या है कि सर 15 दिन और बढ़ा दिया जाए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, हम फॉर्म भर पाएंगे इजिली, ठीक है। तो इस हिसाब से एनएसपी ने क्या रिप्लाई आया है एनएसपी के द्वारा, तो काफी बच्चों ने एनएसपी में कॉल भी किया है, मुझे कल बताए थे टेलीग्राम में। तो क्या हुआ है कि एनएसपी में कॉल करने के बाद जो कस्टमर केयर है वो ऐसे बोल रहे थे कि नहीं बढ़ने के 95% चांस है और बढ़ने के 5% चांस है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने कस्टमर केयर ने कुछ रिप्लाई दिया, तो बच्चे उससे निराश हो गए ज्यादा कि सर अब डेट नहीं बढ़ेगी, हम स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ऐसा प्रूफ देने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा कि आपकी डेट 101% 100% आपकी डेट बढ़ेगी, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 5-3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास, एनएसपी को मॉनिटर कर रहा हूँ मैं एक एक चीजों को कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या है मेरे पास सबूत, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले, जो बच्चे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है अगर डेट बढ़ जाए तो आपको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन को भी ध्यान रखना है। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपका यहाँ पे अप्लाई डेट 15/11/2022 है और इंस्टू वेरीफिकेशन डेट 30/11/2022। जैसे ही आपकी अप्लाई डेट एक्सटेंड होगी तो आपके इंस्टू वेरीफाई भी डेट एक्सटेंड होगा। ये नहीं है कि आपके इंस्टू वेरीफाई वही वही रहेगा, वो भी दोनों ही एक्सटेंड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, जैसे अप्लाई डेट बढ़ेगी इंस्टू वेरीफिकेशन डेट बढ़ेगी। अब देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ फ्रेंड, देख लीजिए प्रूफ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हैं 15/12/2021, मतलब स्कीम जब क्लोज हुआ था 15 दिसंबर 2021 में क्लोज हुआ था, लेकिन इसके बाद भी एक महीना डेट बढ़ा था। ये तो पहले का दिखा रहा हूँ मैं, इससे पहले भी इसके बाद भी एक महीना डेट एक्सटेंड हुआ था, जनवरी तक डेट था। लेकिन हम मानते हैं कि अगर इतना भी नहीं हो फिर भी कम से कम डेट जो है नवंबर तक तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप की फॉर्मेलिटी 15/12/2021 आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पोस्ट मैट्रिक का 15 जनवरी 2021 की लास्ट 2022 की लास्ट डेट थी। तो इस हिसाब से आपको प्रूफ पता लग गया कि भाई एनएसपी की डेट बढ़ता है हमेशा, कस्टमर केयर वाले कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं आपको उलझाने के लिए है, आपको टेंशन देने के लिए है। डेट बढ़ेगी और शाम को जैसे डेट बढ़ेगी उसको मैं खबर लेके आऊंगा और लाइव में रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल पे आपको इस और वीडियो तरह तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी फॉर एवर। तो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।